नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पंपिंग सेट से खेतों की सिंचाई करने पर किसी तरह की नहीं लगी है रोक, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने दी जानकारी। दारू के लिए रुपए नहीं देने पर मनबड़ों ने पशु चिकित्सक पर चलाई गोली। पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी, दो की गिरफ्तारी के किए जा रहे हैं प्रयास। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। शहर में ई रिक्शा के संचालन के लिए 19 रूट किए गए निर्धारित। जल्द ही सभी ई रिक्शा को दिया जाएगा रूट नंबर। निर्धारित रूट पर न चलने वाले ई रिक्शा पर होगी कड़ी कार्यवाही। एसपी ट्रैफिक एवं आरटीओ ने ई रिक्शा के यूनियनों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर कराया उन्हें अवगत। कहा, शहर में जाम की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए हैं यह कदम। सदर तहसील के 14 थानों पर नायब तहसीलदार अलग अलग दिन थानों पर जाकर सुनेंगे जनता की फरियाद। थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर जनता की समस्याओं का करेंगे समाधान। एसडीएम सदर ने दी जानकारी। पेडलेगंज से बेतियाहाता तक 250 करोड़ की लागत से 4 लेन का होगा निर्माण। शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने दी जानकारी। शाहपुर थाने का एसपीसीटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया छमाही निरीक्षण। थाने के मालखाना, रखरखाव, साफ सफाई, बैरक रजिस्टर के रखरखाव का लिया जायजा। कहा, ट्रांसफर होने के बावजूद आवास में कब्जा जमाए कर्मचारियों को आवास जल्द खाली करने के लिए किया गया निर्देशित। महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बाएं लेन को खाली रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस आईटीएमएस के माध्यम से अनाउंस करके सभी को कर रही है जागरूक। एसपी ट्रैफिक ने कहा, हमेशा खाली रखें बाएं लेन को, अन्यथा लगाया जाएगा 10,000 रुपए का जुर्माना। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सीएमओ ने आधा दर्जन बच्चों एवं एक किशोर को कृमि की दवा खिलाकर किया अभियान का शुभारंभ। कहा, बच्चों को कुपोषण, खून की कमी समेत कई बीमारियों से बचाती है यह दवा। पचास ग्राम मिश्रित नशीला डायजापाम पाउडर के साथ दो अभियुक्तों गणेश एवं मनीष को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गीता प्रेस के व्यापारी शंभू शाह द्वारा 5 चौराहों को गोद लेकर सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने माल्यार्पण व बैंड बाजा के साथ किया सम्मानित। कहा, चौराहे पर कैमरा लगाने से अपराध व अपराधियों पर लगेगा लगाम। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न। महेश कुमार राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष, विनोद कुमार तिवारी को क्षेत्रीय मंत्री, अभिनव कुमार श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अजय कुमार को चुना गया निर्विरोध प्रांतीय प्रतिनिधि। कहा, यात्रियों को किया जाएगा भरपूर सहयोग। और बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस पर बेतियाहाता स्थित नगरीय प्राथमिक विद्यालय पर चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बैंक की तरफ से प्रतिभागी बच्चों को किया गया पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से। जनपद में पंपिंग सेट से खेतों की सिंचाई करने पर किसी तरह का रोक नहीं लगा है। आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद में बारिश नहीं हो रही है, जिससे किसान परेशान हैं और बोरिंग से सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन अफवाह फैल रही है कि बोरिंग से सिंचाई करने पर प्रशासन ने रोक लगा दिया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने बताया कि पंपिंग सेट से सिंचाई करने पर किसी तरह का रोक नहीं लगा। यह बात पूरी तरह से गलत है। किसान अपनी फसलों की सिंचाई पंपिंग सेट से कर सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा, किस चीज का अफवाह है? पानी चलाने से तीस रोक नहीं, नहीं, ऐसा कोई मैटर हमारे संज्ञान में नहीं है और ऐसा कोई रोक भी नहीं है। दारू पीने के लिए रुपए नहीं देने पर मनबड़ों ने गघा थाना क्षेत्र के हाटा बाजार में पशु चिकित्सक पर गोली चला दी।
गनीमत थी कि गोली पशु चिकित्सक को नहीं लगी। उन्होंने बाजार में मौजूद लोगों के सहयोग से एक आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब हो गए, जिसमें से एक अन्य को गगा पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। गगा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव निवासी अजीत यादव पुत्र सिंहासन यादव एक पशु चिकित्सक हैं। बुधवार की दोपहर को हाटा बाजार स्थित अपने भाई के मेडिकल स्टोर से वह घर लौट रहे थे। गनगरी पुलिया से पहले स्थित घेवरपार मार्ग पर बाइक सवार 4 युवकों ने पशु चिकित्सक को रोका और शराब के लिए रुपए मांगने लगे। उन्होंने कहा कि शराब के लिए रुपए नहीं देंगे, चलो फुल्की खा लो। रुपए देने से मना करने पर चारों युवक उलझ गए और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक युवक ने पिस्टल निकालकर पशु चिकित्सक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही गोली उन्हें लगी नहीं। मारपीट की सूचना पाकर अजीत के भाई अमित अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान आरोपितों ने दूसरी गोली चला दी। संयोग रहा कि यह गोली भी किसी को नहीं लगी। भीड़ जुटने पर आरोपित बाइक से भाग निकले, जबकि एक को अमित व अजीत ने अन्य लोगों के सहयोग से दौड़ा कर पकड़ लिया। उसके पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। इस बारे में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वादी की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से कृष्ण मोहन उर्फ भोलू यादव और संत देव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी बचे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इनके पास से नाजायज असलहे भी बरामद हुए हैं। मौके से खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, आज थाना गगहा क्षेत्र के रियाओं मोड़ के पास दोपहर बाद फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग करने वाले एक व्यक्ति को मौके से ही पब्लिक और पुलिस ने घेर करके पकड़ लिया। शेष 3 भागने में सफल रहे। वादी की तहरीर पर थाना गगहा में 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त कृष्ण मोहन उर्फ भोलू यादव और दूसरा संतदेव, इनकी गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। शेष 2 की तलाश जारी है। इनके पास से नाजायज असलहे भी बरामद हुए हैं। मौके से खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस अभियोग दर्ज करने के बाद इनकी गिरफ्तारी वो अन्य विधिक कार्यवाही कर रही है। हमारी टीमें 2 अभियुक्तों की तलाश में अभी भी क्षेत्र में बनी हुई है। SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह एवं RTO अनीता सिंह की अध्यक्षता में यातायात कार्यालय पर ई रिक्शा के यूनियनों के अध्यक्षों के साथ बैठक की गई, जिसमें नियमों का पालन करते हुए ई रिक्शा चलाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शहर में ई रिक्शा के संचालन के लिए 19 रूट निर्धारित किए गए हैं। इसे जल्द ही RTO कार्यालय द्वारा कैंप लगाकर रूट के संबंध में रूट नंबर की जानकारी दी जाएगी। हम सफर ई रिक्शा का रूट नंबर दिया जाएगा, जिससे कि शहर में जाम की समस्या उत्पन्न ना हो सके, तथा ई रिक्शा पर मानक के अनुसार 5 सवारी से ज्यादा नहीं बैठाएंगे और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर निर्धारित रूट पर नहीं चलेंगे तो इनके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं RTO अनीता सिंह ने कहा, देना ही तो है भाई।
चीज़ का कोई रूप नहीं है, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि हम सफ़र ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर जो पहले से ही आरटी बैठक में निर्धारित हो चुके थे 19 रूट उसके बारे में उनको अवगत कराया गया है, और इससे पहले भी उनको उस मार्गों के बारे में अवगत करा दिया गया था, क्योंकि ये ई रिक्शा मेन सिटी में ही चलते हैं, अन्य मार्गों पे नहीं चल रहे हैं, जिसके यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक की समस्या लगातार बन रही है। तो कमिश्नर साहब के ये आदेश हैं कि अब ये रूट पर ही चलेंगे। तो इन लोगों ने कुछ अपनी समस्याएं हम लोगों के समक्ष रखी थी, उन समस्याओं को भी मंडलायुक्त महोदय के समक्ष रख दिया गया, बट उनका ये कहना है कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें ई रिक्शा को ई मार्ग पर ही चलने के लिए बाधित करना पड़ेगा। आज हम सफर ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, यूनियन के माध्यम से सभी रिक्शा चालकों के लिए ई रिक्शा चालकों को बताया गया कि इनके लिए जो निर्धारित 19 रूट हैं उन्हीं रूट पर अपने ई रिक्शा चलाएं, और इसका पालन ना करने पर इनके खिलाफ़ कड़ी वैधानिक कार्यवाही मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत की जाएगी। और विशेष अनुरोध इनसे ये है कि वाहन अपने रूट्स पर चलाते समय यातायात नियमों का विशेष पालन करें, जिससे शहर में कहीं यातायात दबाव या ट्रैफिक कंजेशन की कोई समस्या ना हो और शहर में एक आदर्श यातायात व्यवस्था बनाए रखने में ये भी भागीदार बन सकें। सर, जो रूट निर्धारित है उस पर नहीं चल, किस तरह की अगर निर्धारित रूट पर नहीं चलेंगे तो इनके खिलाफ नियमानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सदर तहसील के 14 थानों पर नायब तहसीलदार रोस्टर के अनुसार मौजूद रहकर जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान करेंगे, जिसके संबंध में एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है, इसके अलावा जिलाधिकारी एडीएम और उनके द्वारा भी जन सुनवाई की जाती है, तथा IGRS पर भी शिकायतें आती हैं जिसका समाधान थाना दिवस और तहसील दिवस में किया जाता है, लेकिन ज्यादा शिकायतें होने का कारण निस्तारण नहीं हो पाता है, जिसको देखते हुए एक रोस्टर जारी किया गया है जिसमें नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी 2 घंटे थाने पर मौजूद रहकर जनता की समस्या सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि जनता की समस्याओं का 100% निस्तारण हो, जिससे जनता को थानों और अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर कुलदीप मीणा ने कहा, इसमें जैसा कि आप जानते हैं गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई होती है, जनता दर्शन लगता है, इसके अलावा हमारे पास IGRS, कमिश्नर सर, DM सर और मेरे स्वयं के जन सुनवाई के काफ़ी सारे प्रकरण आते हैं, जिसको कि ये सब तहसील दिवस समाधान दिवस के इतर हैं। इनको करने के लिए हमारे पास काफ़ी कम समय रह जा रहा है, और चीज़ करने के लिए थाने स्तर और तहसील स्तर की जॉइंट टीम रिक्वायर्ड है, तो हमने नायब तहसीलदार और SHO दोनों को थाने के ऊपर हर रोज़ 2 घंटे के लिए बिठाया है कि सिर्फ यही सब प्रकरण जिसके अंदर की राजस्व और पुलिस की जॉइंट टीम की ज़रूरत है उनका मॉनिटरिंग करें, सुपरविजन करें, जहाँ जहाँ नहीं हुआ है उनको फीडबैक लेके और त्वरित कार्रवाई करते हुए निस्तारण कर दिया जाए। महीने में कितने दिन थानों, ये हर एक रोज़ के लिए जो 14 थानों में हमने रोस्टर जारी किया है इसमें मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी हर रोज़ वहाँ पे बैठेंगे, हर एक थाने का अलग अलग दिन हमने डिसाइड किया है। जनपद में पेडलेगंज से बेतियाहाता तक 250 करोड़ की लागत से 4 लेन का निर्माण होगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने बताया कि पेडलेगंज से बेतियाहाता तक 2 किलोमीटर तक 4 लेन बनेगा, जिसका एस्टिमेट बनाकर शासन को भेज दिया, जिसके लिए जल्द ही शासन से स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी और 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने कहा, ये अराउंड 2 किलोमीटर का रोड ट्रैक है, उसका हम लोगों ने एस्टिमेट्स बना के भेज दिया है। इसमें नियरली 250 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, एक्विजिशन कंपोनेंट है और रोड का है, तो एक बार इसकी स्वीकृति आ जाएगी उसके बाद इस पर आगे का काम।
एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शाहपुर थाने का छमाही निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शाहपुर थाने का छमाही निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान थाने का रखरखाव, मालखाना, साफ सफाई, बैरक, रजिस्टर के रखरखाव का निरीक्षण किया गया। थाने के बैरक, भोजनालय में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा मालखाने के रखरखाव व मॉडर्न बनाने के लिए थानाध्यक्ष को प्रपोजल बनाकर भेजने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसको जल्द ही मॉडर्न बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, थाने की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है। महिला सुरक्षा दल, महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा, कुछ लोग गैर जनपद ट्रांसफर होने के बावजूद आवास में कब्जा जमाए हुए हैं, जिसको खाली करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, तैयार है वाले अट्ठासी का क्यों पड़ा है? ने चेक किया, वो मुकदमा अभी भी चल रहा है सर। चेक किया सर। कौन से कोर्ट में? यही गोरखपुर। कोई तो कोई कोर्ट होगा ना, अट्ठासी का मुकदमा हो नहीं सकता पेंडिंग। पेंडिंग चल रहा है सर। ऐसा करो, एक रंजीत जितने भी बेस्कारों से 2000 से पुराने जितने के भी हैं, एक बार माल चेक करवा लो। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे केस डिस्पोज हो गया हो। जी जी सर। और यहाँ पे अभी पेंडिंग चल रहा हो। एक्सेल सीट में जब वो मैंने करवाया था तो सभी एक्सेल सीट में चढ़ गया सब। नहीं सर। हाँ, तो नहीं, अब उस टीम को आगे बढ़ाएंगे, तो एक स्टेप हुआ है, दूसरा स्टेप भी करवाना है उसका। एक इनका 88 से लेके 2000 तक के सारे माल का लिस्ट निकाल के ये कोर्ट से सत्यापित करवाएंगे, पर्चा फैसला से। ठीक है, पर्चा फैसला से कि अभी तक क्या ये पिछले 12 सबसे पुराना माल 1988 का है। ये सर जन सुनवाई अधिकारी है सर, और ये आप
रजिस्टर तो हम लोग का पहले से ही बना था सर, पहले बताओ महिला सुरक्षा दल कितनी जाँच कराई आपने? महिला सुरक्षा दल से हमने जाँच कराई डेली, पर डे हम लोग जाँच करवा रहे हैं। कहाँ लिखा है उसमें? इसमें से भी तो देते हो ना, यहाँ पे भी आती है महिला? मेन महिलाओं का उसमें चढ़ता है, जो अगर महिला संबंधी है तो उस पर चढ़ता है। जो वहाँ से बाहर से आता है, ऑफिस से आता है, ये भी दे रहे हैं जी सर, ये मेरा नंबर है। ऐसा हुआ है या फिर आप ही करवा रहे हैं? मैं तो इसके पहले भी उस थाने पर करवाया था, हर थाने पर आसान है। हाँ यकीन करना होगा बिना महिमा का दिखाओ जिसमें महिला नहीं मैम का कहा है कारतूस आराम से ये 889 से गंगा जी लोग किया गया और बढ़िया। आप लोग खुद दो ए सी लगाने थे? ये तो अच्छा है भाई, रजिस्टर रखने का तरीका ठीक है इनका, अभी और अच्छा होगा सर। और ये मतलब 10-15 दिन बाद एकदम ये राजघाट है ये जी सर, ये मौला वगैरह की छुट्टी तो लगी है जी सर। एच एस का जो है ये इतने बहुत कम वाले एच एस लिखे हैं ये इस मोहल्ले में, जो अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है ये। नहीं सर, जिस मोहल्ले में जो एचएस है सर, उस एचएस का नाम लिखा होगा वो तो है, क्योंकि बाहर बाहर एक लगी थी बोर्ड, उसको नया कराना अपडेट करवाओ जी। जी एचएस वाली सब्जी जो है सर, जो लोग फ्लाई सीट टाइप के रूप में लगी है जी, उसको अपडेट करवाइए सर। ठीक है, अरे रजिस्ट्रेशन से मंगवा लो सर। कौन कौन से रजिस्टर मंगवाओ? रजिस्टर नंबर 4 दोनों के हो गए। एक सिपाही, दो महिला कांस्टेबल। सारे आप देखती हैं, अकेले बिल करती हैं, कितने पेंडिंग है डिफॉल्टर, कितने आपको बिल लेंगे डिफॉल्टर? क्या था वो डिफॉल्टर? क्यों होगा आपका काम डेडिकेटेड रखा है, सिर्फ यही काम करना, और कुछ नहीं है ना? रखा भी है, वो भी बैकअप देता है, वो भी है। दो लोग सिर्फ आई जी आर एस देखते हैं? हाँ, वो मतलब रात में नाइट भी करता है। हाँ, सुबह आई जी आर एस देखता है, ये आई जी आर एस डिफॉल्ट डर है तो नहीं होना चाहिए मैडम डिफॉल्ट डर। इतना नीचे सर तुलवाना है, तुलवाना तो भाई जी। हाँ जी कमाइए आप, बैठिए मैडम। महिला सुरक्षा दल ने कोई जांच की हो दिखाओ मुझे कोई। बाकी जो रजिस्टर है इसमें
क्या चीज एंट्री करती हैं आप? सर, इसमें जो एप्लीकेशन आती है उनकी एंट्री करती हैं। तो आप ये नहीं लिखती हैं कि कार्रवाई क्या हुई? नहीं सर, लिखा जाता है। कार्रवाई पूछ रहा हूँ ना, बताइए ना जरा। क्वेश्चन आई भी है, अर्लियर है उनका। मैं कह रहा हूँ ऐसा मुझे बताओ जिसके अंदर मेरा सुरक्षा दल जाँच करने गया था, इसे देख के बता दो। मेरा सुरक्षा दल का हेलमेट अब तो लगा लो, हेलमेट वाली है इनको परेशान किया कि लड़के ने बोला नहीं पाया। होता है तो आप लोग कहाँ रहते हैं? सब जाते हैं, जैसे जिस स्कूल से कंप्लेन आते हैं, जैसे डिवाइन में आए थे बच्चे वाले, तो वहाँ जाने गए थे हम लोग एक हफ्ता। वहाँ की जैसे छुट्टी होती थी जाते थे, तो मैं एक सेंट मैरिज स्कूल है, वहाँ की कंप्लेन आई वहाँ पर। समझिए अपने लिए तो कि घर की कोई बहन बेटी होती है उसमें जाती है, उसको कोई चिंता कैसा लगता है? आप हैं, आपका तो कौन है चलता आपके वोटर और स्कूटियाँ कहाँ हैं? शेरनी दस्ता क्या काम करती है? शेरनी दस्ता नहीं करता सर, दस करता स्कूल वगैरह बच्चों को। इसमें सर ऊपर वाले में उमेर पर आते हैं सर, उमेर सीओ पेशी में सर, आपने सीओ पर ठीक है उससे ऊपर सर, और उसके पेशी में एक वो रहते हैं सर एसएसआई कोतवाली है, वो सर खाली हुआ अभी चाली रामपुर में सर के पास। ये राम आशीष क्या है सर? राम आशीष ने खाली कर दिया था, जो हमारा जांच अधिकारी है राम आशीष इंस्पेक्टर, खाली कर दिया था। ये वाला वही वाला तो पास चाली साहब के ग्रुप में महाराज गए वही इनका गेट पर बताइए। अब सब लोग खाली कर गए हैं और रिकवरी के लिए रो रहे हैं, बस आते डेली मिला है। क्या मैडम कब से ट्रांसफर हुए हैं ये महाराजगंज? कम से कम हो गए होंगे 5-6 साल? नहीं तो खाली कर दीजिए, फिर हर महीने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कटेगा सैलरी से, मैं एक एक दाना सर बड़ी सर। ठीक है मैडम, बढ़िया सवाल। आप
पास कौन कौन सी वो है बुलेट है? बुलेट ने बारूद किया था उसके मूवमेंट के लिए। इट्स ऑल अबाउट लीथल एंड नॉन लीथल। इससे जो भी फायर करेंगे आप उससे इंसान की जान जाएगी, ठीक है? दैट इज एम्यूनेशन। एमओ इज दैट इज ओनली फॉर किलिंग, इंसान को मारने के लिए। दिस इज एम्यूनेशन में इतना ही फर्क है, उसको क्राउड कंट्रोल, हीट को कंट्रोल करने के लिए। इससे इंसान मारना नहीं है, इनको डिस्पर्स करना। एम्यूनेशन जितना भी है वो अलग फैक्ट्री बनाती है, एम्यूनेशन फैक्ट्री टेकन फॉर में, वो सिर्फ एम्यूनेशन बनाएगी, एम्यूनेशन नहीं बनाती है, ठीक है? किसी प्रकार का एम्यूनेशन हो, टी एस एम हो सकता है, जितना भी है कई प्रकार के टी एस एम है। थाना शाहपुर में आज 6 मासीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाने के सारे रखरखाव, सारा मालखाना, भवन, बैरक, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण किया गया। बैरक में, भोजनालय में सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए SHO को निर्देशित किया गया है। SHO द्वारा मालखाने के रखरखाव में भी उसको मॉडर्न बनाने के लिए एक प्रपोजल भेजा है, उसको भी मॉडर्न बनाया जाएगा। बाकी थाने की रखरखाव एवं कागजों की प्रणाली जो भी है वो भी बहुत अच्छी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शाहपुर थाना इसी तरीके से लोगों की सेवा में तत्पर रहेगा। महिला सुरक्षा दल जो है वो तत्परता से महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करता आ रहा है, और ये बहुत खुशी की बात है कि महिला सुरक्षा दस्ता द्वारा 24 आवर्स में ही जितनी भी समस्याएं उनका निस्तारण किया जा रहा है। सभी दरोगाओं से भी पिस्टल खुलवाना, जुड़वाना, इसी तरह के अपने असले वगैरह हैं उन सब की जानकारी ली गई है, सभी की इनको जानकारी है। तो मुझे उम्मीद है गोरखपुर पुलिस इसी तरीके से अपना काम करते हुए प्रणता के साथ आगे बढ़ती रहे। अन्य गैर जनपद जाने के बावजूद, ट्रांसफ़र होने के बावजूद कुछ आवास कब्जाए गए हैं, उनमें से 5-6 लोगों को ऑलरेडी रिकवरी इनकी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो खाली नहीं किए जा रहे हैं, तो इनके लाइट पानी के कनेक्शन भी काटे जाएंगे एवं और अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पंपिंग सेट से खेतों की सिंचाई करने पर किसी तरह की नहीं लगी है रोक, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने दी जानकारी। दारू के लिए रुपए नहीं देने पर मनबड़ों ने पशु चिकित्सक पर चलाई गोली। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी, 2 की गिरफ्तारी के किए जा रहे हैं प्रयास, SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। शहर में ई रिक्शा के संचालन के लिए 19 रूट किए गए निर्धारित, जल्द ही सभी ई रिक्शा को दिया जाएगा रूट नंबर। निर्धारित रूट पर न चलने वाले ई रिक्शा पर होगी कड़ी कार्यवाही। SP ट्रैफिक एवं RTO ने ई रिक्शा के यूनियनों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर कराया उन्हें अवगत, कहा शहर में जाम की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए हैं यह कदम। सदर तहसील के 14 थानों पर नायब तहसीलदार अलग अलग दिन थानों पर जाकर सुनेंगे जनता की फरियाद, थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर जनता की समस्याओं का करेंगे समाधान, SDM सदर ने दी जानकारी। पेडलेगंज से बेतियाहाता तक 250 करोड़ की लागत से 4 लेन का होगा निर्माण, शासन को भेजा गया है प्रस्ताव, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने दी जानकारी। शाहपुर थाने का SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया छमाही निरीक्षण, थाने के मालखाना, रखरखाव, साफ सफाई, बैरक रजिस्टर के रखरखाव का लिया जायजा, कहा ट्रांसफर होने के बावजूद आवास में कब्जा जमाए कर्मचारियों को आवास जल्द खाली करने के लिए किया गया निर्देशित। महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बाएं लेन को खाली रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ITMS के माध्यम से अनाउंस करके सभी को कर रही है जागरूक। SP ट्रैफिक ने कहा हमेशा खाली रखें बाएं लेन को, अन्यथा लगाया जाएगा ₹10,000 का जुर्माना। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर CMO ने आधा दर्जन बच्चों एवं एक किशोर को कृमि की दवा खिलाकर किया अभियान का शुभारंभ, कहा बच्चों को कुपोषण, खून की कमी समेत कई बीमारियों से बचाती है यह दवा। पचास ग्राम मिश्रित नशीला डायजापाम पाउडर के साथ 2 अभियुक्तों गणेश एवं मनीष को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अब
ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गीता प्रेस के व्यापारी शंभू शाह द्वारा 5 चौराहों को गोद लेकर सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने माल्यार्पण व बैंड बाजा के साथ किया सम्मानित। कहा, चौराहे पर कैमरा लगाने से अपराध व अपराधियों पर लगेगा लगाम। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न। महेश कुमार राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष, विनोद कुमार तिवारी को क्षेत्रीय मंत्री, अभिनव कुमार श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अजय कुमार को चुना गया निर्विरोध प्रांतीय प्रतिनिधि। कहा, यात्रियों को किया जाएगा भरपूर सहयोग। और बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस पर बेतिया हाता स्थित नगरीय प्राथमिक विद्यालय पर चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बैंक की तरफ से प्रतिभागी बच्चों को किया गया पुरस्कृत। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। पटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट, you like it, Chico? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? It's magnificent and it also comes in gold and chrome black. And by the way, it's Chico, not doggy. Presenting Hughes by Hindwear Italian Collection. Stunning colored faucets with long-lasting finish that's noticed by everyone. Hindwear Italian Collection. ISL Institute for Simplified Learning, दिल्ली के well qualified और experienced teachers द्वारा संचालित ISL Institute for Simplified Learning, Khazanchi Chowk near Sports College, Gorakhpur. Special concession in fee for EWS and BPL category students. अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905
8444992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ जी जान से मेहनत कर रही है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सभी नागरिकों को बार बार सूचित किया जा रहा है कि बाएं लेन को खाली रखें, जिससे एम्बुलेंस व इमरजेंसी कार्य पर जाने वाले लोगों के लिए सुविधा होगी। बाएं लेन पर कोई रास्ता रोकता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आईटीएमएस के माध्यम से अनाउंस करके सभी को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग रेड सिग्नल का पालन करें तथा बाएं लेन को हमेशा खाली रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सभी नागरिकों से ये अनुरोध करते हैं कि चौराहा क्रॉस करते समय बाईं लेन को खुला रखें। हमेशा जब भी रेड सिग्नल हो तो बाईं लेन को खुला रखें। इससे बाईं तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए तथा एम्बुलेंस के लिए अथवा अन्य इमरजेंसी वाहनों के लिए निकलने में सुविधा होती है, और बाईं लेन का पालन ना करने पर अथवा एम्बुलेंस या इमरजेंसी वाहन का रास्ता रोकने पर 10,000 रुपये का जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गोरखपुर वासियों से अनुरोध करता हूं कि रेड सिग्नल के दौरान कृपया करके बाईं लेन के लिए खुला रखें। इस संबंध में मेरे द्वारा आईटीएमएस के माध्यम से लगातार अनाउंस करके सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा हमारे ट्रैफिक के कर्मी भी ड्यूटी के दौरान सभी के लिए डायरेक्शन भी देते हैं बाईं लेन खाली करने के लिए, और समय समय पर अपने हैंड हेल्ड माइक के द्वारा अनाउंस करके भी सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया बाईं लेन को खाली रखें, जिससे शहर के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू और अच्छे ढंग से चलती रहे। महिला जिला अस्पताल की ओपीडी हॉल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बच्चों को कृमि की दवा खिलाकर शुभारंभ किया। उन्होंने आधा दर्जन बच्चों एवं एक किशोर को अपने हाथों से कृमि की दवा खिलाई। पूरे जनपद में आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया और कृमि की दवा 19 साल के नीचे के बच्चों को खिलाया गया तथा छूटे हुए बच्चों को 25 जुलाई और 27 जुलाई को खिलाई जाएगी। इसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र एवं स्कूल इन दोनों स्थानों पर पंजीकृत बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा 25 और 27 जुलाई के बीच खिलाई जाएगी। यह दवा बच्चों को कुपोषण, खून की कमी समेत कई बीमारियों से बचाती है। उन्होंने बताया कि 16 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को, ईंट भट्टा पर कार्य करने वाले श्रमिकों और घुमंतू लोगों को भी दवा खिलाई जाएगी। यह दवा 1 से 19 आयु वर्ग के सभी बच्चों को खानी है। उन्होंने बताया कि यह दवा शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने सामने खिलाएंगे और किसी भी स्थिति में परिजनों को दवा नहीं दी जाएगी। कृमि के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए यह दवा सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने कहा कि कृमि से बचाव के लिए साफ पानी का सेवन करें, आसपास सफाई रखें, खाना खाने से पहले हाथ को धोएं तथा फल और सब्जियां साफ पानी में धोकर इस्तेमाल करें। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एन के श्रीवास्तव, डीसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के एन बर्नवाल, वरिष्ठ स्वास्थ्य कर्मी नवीन गुप्ता सहित डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, चलो आओ दवा खा लो।
राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। ये आज से लेकर के 25 तारीख तक मनाया जाएगा और 25, 26 और 27 दो दिन जो है जो हमारा छूटे हुए मापअप राउंड किया जाएगा। इसमें हम एल्बेंडाजॉल 400 मिलीग्राम की टैबलेट जो है एक वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के बच्चों को खिलाएंगे। एक वर्ष से दो वर्ष के बच्चों को आधी टैबलेट जो है क्रश करके दी जाएगी और दो से तीन वर्ष के बच्चों को भी चम्मच में दो चम्मच के बीच में रख करके इसे क्रश करके इसे दिया जाएगा। उसको क्रश करने का तरीका ये होगा कि चम्मच में टैबलेट को रख करके दूसरे चम्मच की इससे आप रगड़ देंगे, इससे ये साफ़ हो जाएगा और उसको पिलाया जाएगा। इसके साथ जो है तीन वर्ष के ऊपर के बच्चों को पूरी टैबलेट जो है मुँह में दे के कूँछ लेंगे और कूँचने के बाद बच्चे को पानी पिला दिया जाएगा। इसकी खास बात यह है ये दवा घर के लिए नहीं दी जाएगी, ये दवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हमारी आंगनबाड़ी एएनएम आशा है उनके सामने खाई जाएगी और ये सभी लोगों को खिलाना है, क्योंकि जब पेट में हमारे जो है कृमि होता है तो ये हमारे पोषण पर जो हम खाते पीते हैं उसको वो खा पी लेता है, तो इससे हम लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, हमें रक्त की कमी हो जाती है और तमाम तरह की अन्य व्याधियाँ होती हैं। इसलिए ये दवा जो है खिलाने का महाअभियान हम लोगों ने शुरू किया है। इसके साथ साथ मैं आम जनता से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि सब लोग जो है स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाएं, घर में जो शौचालय बने हुए हैं उसका प्रयोग करें, खाना खाने के पहले अपने हाथ को साबुन से खूब अच्छी तरह से साफ कर लें खाना खा, और टॉयलेट करने के बाद जो है हाथ खूब अच्छी तरह से साबुन से साफ कर लें। इसके अलावा जब बाहर अगर कहीं जा रहे हैं तो जूते चप्पल पहन करके ही जाएं और स्वच्छ जल का प्रयोग करें, अपने साथ साफ पानी रखें जहाँ की पानी की गुणवत्ता ठीक हो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, खाना खाने से पहले अपना हाथ धुलना है, लैट्रिन के बाद अपना हाथ धुलना है, जो घर में शौचालय बना उस शौचालय का प्रयोग करिए और जूते चप्पल पहन करके बाहर निकलिए, स्वच्छ जल का प्रयोग करिए, आप कृमि से बचे रहेंगे। बाहर से जो साग सब्जियां आती हैं खास करके पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनको खूब अच्छी तरह से बहते हुए पानी से धुल लेना चाहिए, तभी उसे पकाना चाहिए। अगर हम ये सब एहतियात करेंगे तो हम लोग जो है कृमि से बचे रहेंगे, वरना हमारी ये दवा जो चल रही है इस दवा से लोगों को हम कुपोषण से बचाएंगे। धन्यवाद। कैंट
थाने की पुलिस ने 50 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गणेश पुत्र फौजदार साहनी निवासी मंटेश्वरी गली मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, दूसरा मनीष पुत्र मनोहर निषाद निवासी राय कॉलोनी मोहद्दीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 50 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि गोरखपुर शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व भीड़भाड़ वाली जगहों पर आने वाले यात्रियों को झांसे में लेकर खाने पीने के सामान में नशीला पाउडर मिलाकर उनको खिला पिलाकर उनके सामानों व पैसों की चोरी कर लेते हैं। हम लोग इस डायजापाम पाउडर का प्रयोग लोगों को नशा दिलाने के लिए करते हैं। हम लोग आज बाहर से कमा कर आने वाले यात्रियों की खोज में निकले थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अवनीश कुमार पांडे, कांस्टेबल टीबू सुल्तान, आशीष चौधरी शामिल रहे। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने ऑपरेशन त्रिनेत के तहत व्यापारी शंभू शाह द्वारा गीता प्रेस रोड पर 5 चौराहों को गोद लेकर सीसीटीवी कैमरा लगाने पर माल्यार्पण कर बैंड बाजे के साथ सम्मानित किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि सुबह ऑपरेशन त्रिनेत के तहत गीता प्रेस के व्यापारी शंभू शाह द्वारा चौराहे को गोद लेकर सीसीटीवी कैमरा लगाने पर बैंड बाजे के साथ सम्मान किया गया। उन्होंने 5 चौराहों को गोद लिया है। गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत की मुहिम इसी तरह जारी रहेगी। उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि शहर की सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए इस मुहिम में आगे आकर अपना योगदान दे। इस अवसर पर सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, प्रातः ऑपरेशन त्रिनेत्र के अनुक्रम में आज शहर के एक व्यापारी शंभू शाह द्वारा 5 चौराहों को गोद लिया गया है। गोरखपुर शहर में त्रिनेत्र ऑपरेशन की ये मुहिम इसी तरीके से जारी रहेगी एवं शहर के बाशिंदों से मैं अपील करता हूं कि वो अपने शहर की सुरक्षा को अपने ही हाथों में जिम्मे को आगे बढ़ाएँ एवं शहर को सुरक्षित रखें। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश केंद्रीय प्रबंध समिति के निर्देश पर चुनाव अधिकारी राजेंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सतीश मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री देवीपाटन क्षेत्र के देखरेख में गोरखपुर क्षेत्र का वार्षिक चुनाव महेश कुमार राय क्षेत्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में रोडवेज बस स्टेशन के कार्यालय पर सम्पन्न हुआ, जिसमें महेश कुमार राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष, विनोद कुमार तिवारी को क्षेत्रीय मंत्री, अभिनव कुमार श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अजय कुमार को प्रांतीय प्रतिनिधि निर्विरोध चुना गया, जिसके संबंध में नव निर्वाचित क्षेत्रीय मंत्री विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि यात्रियों को भरपूर सहयोग किया जाएगा। नव निर्वाचित सभी पदाधिकारियों को कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर बधाई दी। इस अवसर पर प्रांतीय प्रतिनिधि जय प्रकाश दुबे, कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री प्रेम नारायण तिवारी, मनीष कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार, संतोष कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित क्षेत्रीय मंत्री विनोद कुमार तिवारी ने कहा, विनोद
विनोद तिवारी, क्षेत्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश रोडवेज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। आज इस गोरखपुर क्षेत्र का रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक क्षेत्रीय चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें प्रांत के निर्देश पे चुनाव अधिकारी राजेंद्र यादव जी आजमगढ़, उपाध्यक्ष प्रांतीय उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय मंत्री देवी पाटन मिश्रा जी की देखरेख में, और श्री महेश कुमार राय क्षेत्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है, जिसमें पूरे इस गोरखपुर क्षेत्र के 8 डिपो और जितने यूनिट 14 शाखाओं का शाखा के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, मंत्री, क्षेत्रीय सदस्य सब लोग भाग लिए थे, वो वोटर थे। उन्होंने आज यहाँ पे सर्वसम्मत से श्री महेश कुमार राय जी को क्षेत्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, और मैं विनोद तिवारी क्षेत्रीय मंत्री चुना गया हूँ, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे भाई अभिनव श्रीवास्तव जी चुने गए हैं, और प्रांतीय प्रतिनिधि के रूप में अजय कुमार जी चुने गए हैं। और यात्रियों के लिए भरपूर सहयोग हम लोग करेंगे, और कि हम लोग का यात्रियों के अच्छी से अच्छी जो सुविधा प्रोवाइड सरकार कर रही है, उसमें हम कर्मचारी मिल करके पूरा सरकार का साथ देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का 115वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंक स्थापना दिवस के अवसर पर बेतिहाता स्थित नगरीय प्राथमिक विद्यालय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा सभी बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया, जिसके संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा बेतिहाता शाखा के शाखा प्रमुख बजरंग गुप्ता ने बताया कि सन 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी और आज बैंक का 115वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागी सभी बच्चों को पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं दी जा रही हैं तथा आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्टलेस सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अग्रसर है। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार सिंह, मोहित आर्य, राहुल कुमार, संजना जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के प्रमुख बजरंग गुप्ता ने कहा, इधर सामने देखो बेटा।
नमस्कार साथियों, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा बेतिहाता ब्रांच का शाखा प्रमुख बजरंग कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। सन 1908 में 20 जुलाई को सर सयाजी गायकवाड़ जी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने आज के दिन एक चित्रकला की प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज होल्डर को हम लोगों ने प्राइज़ दिया है तथा और सभी को सांत्वना पुरस्कार दिया है, जो कि हमारा एक बैंक का CSR एक्टिविटी के तहत आता है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ एक चित्रकला का आयोजन किया। स्थापना दिवस है, ये हमारा 115वां स्थापना दिवस है। क्या कहेंगे बच्चों और इन बच्चों को प्राइज़ में हम लोगों ने पेंसिल बॉक्स, टिफिन और यहाँ पे हम लोगों ने पंखे का भी डोनेशन किया हुआ है तथा हम लोग बच्चों के भविष्य की उज्जवल की कामना करते हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पंपिंग सेट से खेतों की सिंचाई करने पर किसी तरह की नहीं लगी है रोक, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने दी जानकारी। दारू के लिए रुपए नहीं देने पर मनबड़ों ने पशु चिकित्सक पर चलाई गोली। पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी, दो की गिरफ्तारी के किए जा रहे हैं प्रयास, SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। शहर में ई रिक्शा के संचालन के लिए 19 रूट किए गए निर्धारित, जल्द ही सभी ई रिक्शा को दिया जाएगा रूट नंबर। निर्धारित रूट पर न चलने वाले ई रिक्शा पर होगी कड़ी कार्यवाही। SP ट्रैफिक एवं RTO ने ई रिक्शा के यूनियनों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर कराया उन्हें अवगत। कहा, शहर में जाम की समस्या के समाधान के लिए उठाए गए हैं यह कदम। सदर तहसील के 14 थानों पर नायब तहसीलदार अलग अलग दिन थानों पर जाकर सुनेंगे जनता की फरियाद। थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर जनता की समस्याओं का करेंगे समाधान, SDM सदर ने दी जानकारी। पेडलेगंज से बेतियाहाता तक 250 करोड़ की लागत से 4 लेन का होगा निर्माण, शासन को भेजा गया है प्रस्ताव, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने दी जानकारी। शाहपुर थाने का SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया छमाही निरीक्षण। थाने के मालखाना, रखरखाव, साफ सफाई, बैरक रजिस्टर के रखरखाव का लिया जायजा। कहा, ट्रांसफर होने के बावजूद आवास में कब्जा जमाए कर्मचारियों को आवास जल्द खाली करने के लिए किया गया निर्देशित। महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बाएं लेन को खाली रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ITMS के माध्यम से अनाउंस करके सभी को कर रही है जागरूक। SP ट्रैफिक ने कहा, हमेशा खाली रखें बाएं लेन को, अन्यथा लगाया जाएगा 10,000 रुपए का जुर्माना। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर CMO ने आधा दर्जन बच्चों एवं एक किशोर को कृमि की दवा खिलाकर किया अभियान का शुभारंभ। कहा, बच्चों को कुपोषण, खून की कमी समेत कई बीमारियों से बचाती है यह दवा। पचास ग्राम मिश्रित नशीला डायजापाम पाउडर के साथ दो अभियुक्तों गणेश एवं मनीष को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गीता प्रेस के व्यापारी शंभू शाह द्वारा 5 चौराहों को गोद लेकर CCTV कैमरा लगवाने पर SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने माल्यार्पण व बैंड बाजा के साथ किया सम्मानित। कहा, चौराहे पर कैमरा लगाने से अपराध व अपराधियों पर लगेगा लगाम। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न। महेश कुमार राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष, विनोद कुमार तिवारी को क्षेत्रीय मंत्री, अभिनव कुमार श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अजय कुमार को चुना गया निर्विरोध प्रांतीय प्रतिनिधि। कहा, यात्रियों को किया जाएगा भरपूर सहयोग। और बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस पर बेतियाहाता स्थित नगरीय प्राथमिक विद्यालय पर चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, बैंक की तरफ से प्रतिभागी बच्चों को किया गया पुरस्कृत। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।